प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखा। यदि हम किसी विद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र एकांक धन आवेश को रखते हैं तो उस पर लगने वाले विद्युत बल के कारण स्वतंत्र एकांक धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करने लगता है। इस दौरान वह जिस मार्ग का अनुसरण करता है उस मार्ग को विद्युत बल रेखा कहा जाता है। जैसे कि ये एक विद्युत क्षेत्र है, यदि हम इस विद्युत क्षेत्र में इस स्थान पर एकांक धन आवेश रखते हैं तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा इस पर एक बल कार्य करेगा और बल के कारण ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करने लगता है। इस दौरान इस मार्ग से होकर गुजर रहा है कि यह मार्ग विद्युत बल रेखा के अर्थात विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में वह पथ है जिस पर स्वतंत्र एकांक धनावेश गति कर सकता है। इसकी कल्पना माइकल फैराडे द्वारा की गई थी। माइकल फैराडे ने इन विद्युत बल रेखाओं की कल्पना की और इनका अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात उन्हें कुछ गुण इन विद्युत बल रेखाओं में प्राप्त हुए। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण गुण के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। जैसे किसी स्थान पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र केवल धन आवेश द्वारा उत्पन्न हुआ है। एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें जिसके जो केवल धन आवेश द्वारा उत्पन्न होता है तो ऐसे विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर अनंत पर समाप्त होती है। धन आवेश से विद्युत बल रेखा निकल रही है और अनंत पर समाप्त हो रही है। अनंत का अर्थ जहां विद्युत क्षेत्र समाप्त हो रहा है। इस धन आवेश के विद्युत क्षेत्र की ये एक सीमा दी हुई है डॉटेड लाइन से, तो यहां से बल रेखा निकलेगी और अनंत पर जाकर समाप्त होगी। प्रत्येक बल रेखा धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। ये विद्युत बल रेखाओं की पहली विशेषता है। यदि विद्युत क्षेत्र केवल ऋण आवेश द्वारा उत्पन्न हुआ है तो बल रेखाएं इसके विपरीत अनंत से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यानी ये बल रेखाएं इस प्रकार अनंत से शुरू होंगी और ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। यदि विद्युत क्षेत्र धन आवेश से उत्पन्न होता है तो धन आवेश से प्रारंभ होकर बल रेखा अनंत पर समाप्त होती है और यदि ऋण आवेश से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो अनंत से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। यदि विद्युत क्षेत्र में दोनों आवेश उपस्थित हैं, धन और ऋण दोनों ही आवेश हैं, इस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर धन आवेश भी मौजूद है और ऋण आवेश भी, तो विद्युत बल रेखा धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर जाकर समाप्त होती है। इस तरीके से यह बल रेखा प्लस से निकल के माइनस पर आएगी। और भी कई बल रेखाएं हम इस विद्युत क्षेत्र में बना सकते हैं। इस तरीके से ये धन और ऋण दोनों आवेशों से
उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार की बल रेखाएं होती हैं। अब हम किसी भी स्पर्श रेखा पर अगर कोई बिंदु लेते हैं, जैसे इस स्पर्श रेखा पर हमने बिंदु लिया, इस बल रेखा पर, सॉरी स्पर्श रेखा नहीं बल रेखा, बल रेखा पर कोई बिंदु लिया, तो इस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो स्पर्श रेखाओं की मदद से, यानी कि बल रेखा पर कोई स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। यदि यहां बल रेखा पर इस बिंदु पर स्पर्श रेखा ली, तो ये स्पर्श रेखा इस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ये विद्युत बल रेखाएं इस प्रकार से बनाई जाती हैं या इस प्रकार से होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। यहां अपन देखते हैं धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में खींची गई प्रत्येक बल रेखा अलग अलग है, कोई भी बल रेखा प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। प्रतिच्छेद न करने के पीछे तर्क क्या है? यदि मान लीजिए विद्युत बल रेखा प्रतिच्छेद करती है इस बल रेखा को, यदि ये बल रेखा प्रतिच्छेद करती हुई आगे बढ़ती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। पहली बल रेखा मान लो ये वाली है और प्रतिच्छेद करती हो ये दूसरी बल रेखा है, ये इनका प्रतिच्छेद बिंदु है। इस प्रतिच्छेद बिंदु पर पहली बल रेखा की ये स्पर्श रेखा होगी और दूसरी बल रेखा की ये वाली स्पर्श रेखा होगी। पहली स्पर्श रेखा इस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाएगी और दूसरी बल रेखा इसी बिंदु पर इस दिशा की ओर विद्युत क्षेत्र दर्शाती है। तो यानी इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की एक निश्चित दिशा होती है और यहां हमें दो दिशाएं प्राप्त होगी, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इन बल रेखाओं के अध्ययन में ये बताया गया कि कभी भी बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र में हम कई बल रेखाएं बना सकते हैं, पर बल रेखाएं इस तरीके से होंगी कि वे एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। यदि हम विद्युत क्षेत्र में धन आवेश और ऋण आवेश के बीच में ली जाने वाली बल रेखा लेते हैं, हम जानते हैं विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, धन आवेश ऋण आवेश को अपनी ओर खींचता है। इसलिए ये बल रेखा लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास करेगी। यदि हम इन दोनों आवेशों को स्वतंत्र छोड़ दें, तो ये आवेश एक दूसरे के नजदीक आएंगे आकर्षण की वजह से। इस वजह से विद्युत बल रेखाएं लंबाई के अनुदेश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। ये वाली बल रेखा भी देखें, ये भी लंबाई के अनुदेश, इसकी लंबाई कम होगी, लंबाई के अनुदेश से पड़ेगी। यदि हम एक धन आवेश से उत्पन्न होने वाली बल रेखा पे बात करें, यह बल रेखा इस तरफ जा रही है
यहां से ये बल रेखा इस तरफ निकलेगी, यदि हम प्लस और माइनस से बात करते हैं इस तरीके से निकल रही है। इन दोनों को देखते हुए हमें ये जानकारी मिलती है ये बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती है। ये बल रेखा के लंबाई के अनुदेश दिशा है, ये अनुदेश दिशा है। आप देखते हैं ये दोनों बल रेखाएं लंबाई के लंबवत इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। यहां पर भी लंबाई के अनुदेश इनके बीच की दूरी इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो ये खासियत भी विद्युत बल रेखाओं में होती है कि बल रेखाएं लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयास करती हैं। इसी वजह से सजातीय आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल उत्पन्न होता है। यदि हम विद्युत क्षेत्र में किसी चालक को रखते हैं या विद्युत बल रेखाएं किसी चालक के ऊपर डाली जाती हैं, जैसे मान लीजिए यहां एक चालक रखा हुआ है, तो इसकी ओर आने वाली बल रेखा इसकी सतह पर आकर समाप्त हो जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी, इसके अंदर क्रॉस नहीं, इस तरीके से होती हुई इसको आर पार नहीं कर पाएगी। इसका कारण है कि हमेशा विद्युत आवेश चालक की सतह पर उपस्थित होता है। तो यह विशेषता भी विद्युत बल रेखाओं में होती है कि बल रेखाएं हमेशा चालक के सतह तक आती है और सतह तक लंबवत आती है और लंबवत ही समाप्त होती है, अंदर से नहीं गुजरती। आठवें पॉइंट में दो बातें बताई गई हैं, विद्युत बल रेखाएं चालक के तल पर आकर समाप्त होंगी और तल से ही निकलेंगी एवं इनसे लंबवत ही निकलेंगी पर लंबवत ही समाप्त। यदि कुचालक होगा तो कुचालक के सतह पर किसी भी कोण पर बल रेखा आ सकती है। यदि मान लो कुचालक है तो बल रेखा किसी भी कोण पर आ सकती है, यह भी पॉसिबल, और अंदर से भी ऊपर गुजर सकती है। इस प्रकार हम विद्युत बल रेखाओं की उपस्थिति से चालक और कुचालक की भी जानकारी दे सकते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र प्रबल है, ये पॉइंट पर ध्यान दें, प्रबल विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं सघन होती है। यानी यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है तो वो बल रेखाएं इस तरीके से हम बता सकते हैं कि यहां विद्युत क्षेत्र प्रबल है क्योंकि यहां बल रेखाओं के बीच की दूरी कम होती है। यहां बल रेखाओं के बीच की दूरी अधिक है तो यह बताया जा सकता है कि यहां विद्युत क्षेत्र दुर्बल है। तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई बल रेखाएं प्रबल विद्युत क्षेत्र में सघन होती हैं और दुर्बल विद्युत क्षेत्र में दूर दूर यानी विरल होती हैं। यहां से विद्युत क्षेत्र की प्रकृति भी बताई जा सकती है। आप इस पॉइंट पर ध्यान दें, एक समान विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती हैं। यदि बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इसका और इनके बीच की दूरी समान है, तो यह कहा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र एक समान है, परस्पर समांतर और समदूरस्थ अगर बल रेखाएं हैं तो जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होगा, एक समान होगा। तो हमने विद्युत बल रेखाओं के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के चर्चा की है। आपके अध्ययन में विद्युत बल रेखा क्या है और
इनमें क्या विशेषताएं होती हैं, ये हमने सीखा है। थैंक यू एंड गुड।